सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है, इस पर मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है पूरे फ्री फायर स्पोर्ट्स कम्युनिटी रिगार्डिंग। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। एंड आज की वीडियो को लाइक है मैं 601 लाइक्स, सो मैं होप करता हूँ कि आप सब आज के लाइक है कम्प्लीट करवा दोगे। एंड इस हफ्ते के एंड तक हमें जो है भाई समय कम्प्लीट करने 18,000 सब्सक्राइबर्स। तो जो भी चैनल पर नया आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस महीने के एंड तक अपन कम्प्लीट करना चाहते हैं 18,000 सब्सक्राइबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टीम एवोल्यूशन थी उनकी तरफ से हमें कल हमारे रूटर के टूर्नामेंट एकदम बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहाँ पे वो उसकी चैंपियंस बनी 1 पॉइंट से। एंड भाई 6 में से 5 गेम बुआ करना किसी के मतलब इजी काम नहीं है, पर जो हमारी टीम एवोल्यूशन थी उन्होंने करके दिखाया। एंड हमें लगी कि बहुत ही अच्छा लगा भाई, मतलब उनका जो कमबैक है वो देखने का, कमबैक तो क्या ही, बट जो आइकॉनिक थे उन्होंने जो टीम को लीड करा, उन्होंने जो परफॉर्म करा भाई नेक्स्ट लेवल था। मैंने सोचा नहीं था कि जो हमारी टीम एवोल्यूशन है वो इतना तगड़ा परफॉर्म करके टूर्नामेंट जीतेगी। एज यूजुअल जो हमारी टीम माफियाज है उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई। टीम माफियाज थी हमारे 2nd पोजीशन पे, हमारी टीम एवोल्यूशन को मिले 4 लाख रुपीज, टीम माफियाज को मिले 2.5 लाख। एंड बाकी के जो लाइक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आज की जो हमारी अगली न्यूज है, आज की हमारी अगली न्यूज निकल के आ रही रॉकिन आरडी की तरफ से। जो हमारे रॉकिन आरडी के अपने चैनल पर लाइव से टूर्नामेंट लाइव कास्ट कर रहे थे, तो उस टाइम किसी एक हेटर ने लाइक उनके फैमिली को बहुत ज्यादा अब्यूज किया था। लाइक उसके जो मॉम है उनको मतलब उन्होंने स्लैंग्स दी थी। तो इसके बाद जो हमारे रॉकिन आरडी उन्होंने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, उन्होंने उस बंदे को क्या रिप्लाई दिया, मैं आप सबको दिखाता हूँ। सिद्धार्थ दास अपने अपने घर में जाके अपनी माँ को गाली देना, ठीक है? निकलो यहाँ से, बात करने का तमीज होता है। मैं तुम्हारी माँ बहन की गाली सुनने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। क्रिटिसिज्म अपनी जगह होती है, माँ बहन की गाली नहीं सुनने बैठा हूँ मैं, सॉरी। वर्ल्ड ऑफ बैटल खतरे में, हैक्स ई स्पोर्ट्स और अचीवर्स पूरी तरीके से एलिमिनेट। नहीं सही बात है ना गाइस, देखो आप क्रिटिसाइज करो जो बोलना है बोलो मेरे को, बट भाई माँ बहन की गाली नहीं सुनूंगा भाई, माँ बहन की गाली सुनने नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है जो आप मेरे को माँ बहन की गाली दोगे। आपके घर में चलता होगा छोटी छोटी बातों में माँ बहन की गालियाँ, मेरे घर पे नहीं चलता। यहाँ पे केओस की फाइट शायद वीब्रो से राउंड भाई, लेकिन तो आज की जो हमारी अगली न्यूज़ है, आज की हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे जो हमारे लैंडिंग ग्लिच है उसके तरफ से। तो आपको पता है कि हमारे गेम में लैंडिंग ग्लिच चल रहा है, एंड जो कि हमारे टूर्नामेंट्स में भी लाइक यूज़ होते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे उन्होंने रिएक्ट किया था हमारे लाइक गेम के कस्टम चैट में। तो इसके ऊपर हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स ने क्या रिएक्ट किया था, मैं आप सबको दिखाता हूँ। कुछ नहीं हो पा रहा तो ग्लिच यूज कर लेता हूँ। रोने तो ले रहा बढ़िया, अब देखो गेम रेज गेम का पार्ट है, बट क्या आपने कभी फौजी अजय को देखा है गुस्सा होते हुए अपने टीममेट्स पे गुस्सा होते हुए? आपने नहीं देखा होगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पर जो हमारे फौजी अजय थे वो गुस्सा हो गए थे हमारे लीकी पे एंड हमारे TSG इंसेन पे। तो वो जो क्लिप है मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर जो हमारे फौजी अजय वो हमें मतलब एंग्री मोड में दिखे थे भाई। किस नूबड़े की एक गोली के चलते भाई बंदा आ गया और पूरी स्क्वाड हट 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 तेरे एक गोली नहीं मारने के चक्कर भाई क्या कर रहे हो यार दोनों बंदे? अरे ये एक गोली बोल रहा था मारना मत मारना मत।
हाँ मारना मैं एक वही तो गोली बोल मैं रहे हैं। कब भाई दोनों म्यूट कर लो भी शांति से, नहीं लाइव पे मैं बोला नहीं चाहता कुछ, अगर कुछ बोलोगे तो सच्ची में सुना दूंगा। 2 मिनट के लिए म्यूट कर लो। ब्रो यहाँ से लेफ्ट में पूरा लेफ्ट चले जाना, कमांड पोस्ट के आगे। अच्छी लूट शांति से, चक्कर 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 मरने के बाद भी नोक हो रहे हैं, बोल भी रिकॉलिंग नहीं दे रहा, आप आपस में लड़ रहे हैं, एक गोली का दो गोली का एक गोली का। बोलो बंदे आ गए फुस्टअप कहाँ से, लाइव के टाइम पे वैसे मेरा कनेक्टर हिल रहा है, सबको पता कनेक्टर नहीं है, तब भी चें 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 छी। अगर रूटर में टॉप पे चल रहे हो 4 लाख अंदर सीधा। अरे गाइस बिल्कुल देखते कल। तो आज की जो हमारी अगली न्यूज़ है वो निकल के आ रही है हमारे फौजी जी की तरफ से। तो जो हमारे फौजी जी हैं उन्होंने रिएक्ट किया हमारे टीम एवोल्यूशन की टोटल टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो उसके ऊपर जो हमारे फौजी जी उन्होंने क्या कहा, मैं आप सबको दिखाता हूँ। टाइकॉक ने आज जिलेट की तारीफ की और टीम माफिया के भी पॉपुलैरिटी बोलते हैं। अरे गाइस देखो ई स्पोर्ट्स है, सब चलता है और भाई लिटरली वो लोग भी जीते ह्यूज मार्जिन से और लगातार बुया मारी है, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने कम बैक किया और जीते गाइस। मतलब कि मुझे तो खुशी है, मतलब मैं एक्चुअली बैठा बैठा बीमार में मैं मैचेस सीख रहा था, बट जिसे बोलते ना मज़ा आया देख के, एकदम मैच लास्ट पॉइंट तक था। आप देख सकते हो पॉइंट टेबल से 1 पॉइंट का डिफरेंस था, तो वो पॉइंट जो वाइटलिटी में गाइस कॉम्पिटिशन में था, बट वाइटलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोक कर गई, बट आईकोगनी ने एकदम पकड़ के रखा और माफियाज ने भी लास्ट दम तक पकड़ के रखा हुआ था, टेबल अपने पॉइंट्स बचा के रखे हुए थे, बट एंड में जो होना था गाइज 1 पॉइंट लेके और पूरा आईकोगनी की भुजा यार मस्त गया। वी वांट आकाशदीप इन टीएम। तो आज की जो हमारी अगली न्यूज है वो निकल के रही टीम माफिया की तरफ से। तो क्या जो हमारे गॉडलाइक के आकाश देव वो हमारे टीम माफिया ज्वाइन करेंगे, इसके ऊपर जो हमारे फौजी अपने लाइफ में क्या कहा, मैं आप सबको दिखाता हूँ। भाई ब्रदर ये आकाशदीप को मैं टीम में कहाँ से लेके आऊँ, फौजी भाई बाला भाई को। तो जो आज की हमारी न्यूज़ है वो निकल के आ रही है हमारे द वर्ल्ड ऑफ बैटल की तरफ से। तो क्या जो हमारी वर्ल्ड ऑफ बैटल नेपाल में भी जाएगी, तो आपको पता है कि हमारी नेपाल की वन ऑफ द बेस्ट टीम है जो कि हमारे वी ब्रोस। तो जो हमारे ब्लड थे जब वो रोकेन अड़ी के साथ लाइव थे, तब उन्होंने कहा कि लाइक वो जो है हमारे वी ब्रोस की टीम को लाइक हमारे वर्ल्ड ऑफ बैटल में ज्वाइन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर जो हमारे ब्लड भाई है उन्होंने क्या कहा, मैं आप सबको दिखाता हूँ। जैसा आपने टोटल गेमिंग के बूट कैंप में भी बताया है, रोहित एंड ड्रैगो गुरुंग कितने खतरनाक प्लेयर हैं, क्योंकि आपने काफी करीब से देखा है इनको, ना सिर्फ इन गेम बल्कि साथ में भी समय बिताया होगा। बिताया तो रॉकी भाई वो तो सही बात है, बट आपको तो पता ही होगा हमने इनको अप्रोच भी करा था और इन फ्यूचर हमारा प्लानिंग्स भी है जी। तो ये डब्ल्यूबी के साइड में टीओ लगने के लिए थोड़ा टाइम बस बाकी है। ओह माय गॉड, जस्ट इमेजिन गाइस, और ब्लड भाई का बड़ा अनाउंसमेंट कि डब्ल्यू बी के आगे बस टीओ लगने के लिए भी आप थोड़ा सा विलंब कर लीजिए, वो भी लग जाएगा। तो ये किस्म का सॉफ्ट सिग्नल हो सकता है या डायरेक्ट सिग्नल, जैसा मर्जी आप कह सकते हैं। तो देखो ये बहुत ही अच्छी बात है द वर्ल्ड बैटल के लिए, बिकॉज जो हमारे वी ब्रोज है वो हमारे नेपाल सर्वर की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, एंड ये टीम मेजोरिटी ऑफ टूर्नामेंट जीत के जाती है हमारे नेपाल सर्वर में। सो अगर ये जो टीम है लाइक ज्वाइन करेंगे हमारे द वर्ल्ड ऑफ बैटल को, तो बिजनेस साइड से अगर आप देखोगे तो लाइक जो हमारी वर्ल्ड ऑफ बैटल उनको प्रॉफिट हो गए, बिकॉज मेजर टूर्नामेंट्स है लाइक वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ की जो चैंपियंस है हमारी मतलब जो टीम हमारी वी ब्रोज यही होती है। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो हमारी वर्ल्ड ऑफ बैटल है वो कोशिश कर सकती है हमारे वी ब्रोज को अपने अंदर लेने का। तो यार की जो वीडियो यहीं तक थी, मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद तो मेक श्योर लाइक द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।